भगवान श्री कृष्ण जन के देखे छे दादा अब को पलटी में पानी फेंकवा के दादा हवा के लगना साबुन धरवा कर ई रख करवा धुआ कहे के जाए ये के धुआ में तना माज ई सरवा गाय तो लिखा हो जाए तोले अरे ई मर जाए गाय ना होई कहा के कई सुत पुत्र तोरे चढ़ो ले तरा जा रे बाप इज्जत भगवान पे इज्जत करके कह दिखा मारी पे हल जान से आदमी शानदार हो अगर उसका शान मार गए विष्णु भैया तो मोले से भी ज्यादा शानदार आगे चुपचाप मुंह गिरा के जब ही बैठक हुआ तो ले पांचों भाई पांडव उहारे निहार खाली धोती पहले या चलिए पहले चाकर चाकर छाती बड़ी बड़ी दाढ़ी इतना बड़ा बड़ा बाल जंगल में एक साल रहल हमन ना उठाव से भेटा ना द्रौपदी को हल्का से मुस्कुरा के पकवन कलेजे पर तीर द्रौपदी पूछत है भैया है भगवान कृष्ण कहन तुम झगड़ा कर बुलावा है कई दिन ना बैठा ना बहुत झगड़ा तो सरवा अब झगड़ा कर दे भाई है आप लोग सोच यार ये तरह मार सोना चांदी चल ले हो करण तो उनसे पूछायल क्या कौन पर जाता हां तो तुमसे जंगली बन के आओ एको में ना पूछा दिन पर जाता गईला चुपचाप अकल बोलतो ना का कि जकर रस पर के सब ओके कौन है ले धनुष बाण लेके आगे बढ़ रहे आ जाके मारियो मछली के आंख छिड़ा के तुम चले दोनी बाद बाल की बाद कहा न पूछ न हाथी रो बोला पगले लेके चल जा चल तो का कर कभी जाके जब फंस के ना सुरेंद्र भाई को तो कब कब अपन ही बैठ के तेरे लपेटा लगी लपेटले ना है दिमाग के ऊपर की चीज हो कबो कबो बिरहिया कबो लिखत नहीं अगोइया लिख दे तो ओकर जोड़ा भी कोई नहीं हो ये हमरे मन का बात है कौन था चल आपको कचीर पंची भक की अखिया अखिया लड़ली बच्चा गुस्से लेकिन द्रौपदी चलत चलत चार जाने आगे आगे द्रौपदी पीछे ओकरे पीछे अर्जुन जी एक बार ऊपर घूम के मुंह देख ले एक बार ऊपर अंगुलिया देख ले एक बार ऊपर राखी का मथुनी निहार एक बार पतर पतर उठ रहा क्या जीता लेकिन द्रौपदी लगन कैसे रही हमारे मन का भाव कि घूंघट घूंघट में जैसे चलता जैसे चंदा सरवाक कुछ भैया
फेंकी में चाहता चोबीन काट के खाए खरबूजा। मेरा भी कैसे बताई के हर से बताई तुम तो भाई कुछ दिमाग काम करो तो काम मारी बोली को बोली निकल गई कि पासों जाने बाँचा सबका सब मोटा कर पाए लेकिन भीड़ जी जनता हुआ तो नहीं मोटा सोचा क्या करेगा माली को ही बोला तो बताओ आज उन सिंह रथ पर कलम मतलब आप आज तुम बच्चे हमारा खाली कैसे बताई हो मारा सारे कैसे बताई माली कहाँ तो बताई अब लगाना भूल जाओ कहो बताई हो लेकिन अरे देखा और जब पहरे आगे सुनती करता कमाई अच्छी है बाबा के चरण में आ गई उसे तो यहाँ से कौशाम्बी इलाहाबाद बस्ती गोरखपुर तक हमारे साथ जाके कार्यक्रम बजा देना पहुंचा ना वहां तो बोले कह रहे थे आप मैं तो वीर हुआ अर्थ पर्सनालिटी से ना अर्थ ऐसे ये चुनौवा में सुंदर भाई अच्छे घटना घटल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह का कार्यक्रम लगल हो दिन कौन माइक है ना मिलता बुलाइला भारतीय जनता पार्टी वाले लोग कहन की मनोज भाई इज्जत रखिए माइक नहीं मिल रहा था ये तक उत्तम कहो कि भाई माइक तो मिलेगा लेकिन ये जो हमारा हाँ ये मोनोग्राम जो लगा हुआ है लिखा हुआ है ये नहीं हटेगा अगर मंजूर हो तो कहा भाग ले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का मीटिंग होते है और मीडिया वाले चलाओ थे कि भाजपा के रैली में सपा का जलवा एक बार मनोज के लिए जो नाम ताली से आप लोग सम्मान करें बहुत बहुत धन्यवाद और बैठक हुआ हमारे भीष्म नारायण भैया काशीपुर इंटर कॉलेज पर